जो सबसे महत्वपूर्ण था जिस इलाके के लिए हम बात कर रहे हैं कि महागामा से रेल है, वहां से कहलगांव एनटीपीसी को कोयला जा रहा है और किसी पॉलिटिशियन का नजर नहीं जा रहा है उसको, सबको अडानी दिखाई दे रहा है। अडानी जो है प्राइवेट हो गया तो बहुत खराब हो गया, और यदि एनटीपीसी भारत सरकार का है तो बहुत अच्छा है। किसी ने पूछा कि 1990 से यदि उनको कोयला ले जाने के लिए रेल लाइन बना हुआ था तो किसी नेता से किसी ने पूछा सचिदाबाबू कि आप क्यों नहीं रेल लाए? यदि कंपनी के आधार पर ही रेल लाइन बनता है तो एनटीपीसी फरक्का के लिए और एनटीपीसी कहलगांव के लिए कोयला जा रहा है, यहां से रेल लाइन बिछा हुआ है, तो गोड्डा में क्यों नहीं रेल लाइन आ गई? और वो तो बड़ा बड़ा पावर प्लांट है, 2400-2500 मेगावाट का पावर प्लांट जो है कहलगांव का है, इतना ही जो सुपर थर्मल पावर है। 5000 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए आप कोई नेता में इतनी हिम्मत हैसियत नहीं थी कि आप रेल लाइन लेके आ गए, ये 1600 मेगावाट के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। तो किसी को विरोध करना है तो वो विरोध करते, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन, और यहां माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, मैंने विकास में कभी भी राजनीति नहीं, चाहे अपनी सरकार हो चाहे अपने सरकार में किसी ने गोड्डा के साथ अन्याय करने का कोशिश किया तो मैंने उसको भी रोकने का प्रयास किया। यहां जब हम लोग धन्यवाद यात्रा निकाल रहे थे और हमारी सरकार थी 2019 में, मैं जीत गया था, सांसद बन गया था, और जब मुझे लग रहा था कि राज्य सरकार कोयला के कारण, एक तो कोल मंत्रालय की परेशानी थी जिस कोयला के कारण उन्होंने मेरे रेल प्रोजेक्ट को रोका, वो कोल ब्लॉक डिपॉजिट कर दिया बीसीसीएल ने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो विचार बदल चुका था गोड्डा के लिए। तो उसी धन्यवाद यात्रा में मैं अशोक भगत जी और अमित मंडल जी संयोग से सभी रघुवर दास जी के साथ जा रहे थे, और मैंने कहा था कि अन्याय नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य के लिए, अच्छी बात है कि रेल लाइन दे रहा है, रेल लाइन केंद्र सरकार दे रही है, रेलवे किसी तरह से पैसा जुगाड़ कर रही है, और अपने को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ये स्क्रैप नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में काफी वो चिट्ठी फ्लैश भी हुई है, मेरी जानकारी में वो चिट्ठी नहीं थी, क्योंकि वो 29 अक्टूबर 2019 का है, जबकि सरकार जो है चुनाव में चली गई थी उस वक्त की वो चिट्ठी है, मुझे लगा कि ये बड़ा गड़बड़ है। लेकिन मैं आपको डीआरएम साहब बताऊं कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ पीआईएल में चला गया हाईकोर्ट, और मैंने कहा कि गोड्डा के साथ कोई अन्याय नहीं हो। फिर मैं 8 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट किया, आज तक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए केवल एक गोड्डा पीरपैंती के लिए गया, आज तक मैंने जो कुछ भी मिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना मांगे दिया, लेकिन इसके लिए मैं खुद से मांगने के लिए गया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि हर हालत में गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन बनेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, और मैं आप लोगों को एक दीपावली की खुशखबरी देना। दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर आशा होंडा आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन ऑफर्स। इस धनतेरस खरीदे होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटी और पाए सभी पर निश्चित उपहार। तो अभी बुक करें होंडा की अपनी पसंदीदा बाइक, स्टार्टिंग डाउन पेमेंट सिर्फ 3,999 रुपए।